चैप्टर सेकंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, चैप्टर टू इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शॉर्ट में हम इसे आईटीएफ बोलेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ठीक है मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा सबसे पहले कि ये क्यों कैसे डिफाइन होता है ठीक है पहले हम इंट्रोडक्शन हम की बात करेंगे ठीक है मतलब आज इसका पूरा इंट्रोडक्शन चलेगा ठीक है आप ये मानिए पूरा निकल ही जाएगा इंट्रोडक्शन में इसका टाइम फिर आगे हम इस चीज का डिस्कशन करेंगे ठीक है अब आप देखेंगे जैसे हम पहले बात करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ठीक है हमने वहां पे भी पढ़ा था डोमेन एंड रेंज ऑफ trigonometric functions ठीक है आज सिर्फ इंट्रोडक्शन चलेगा ठीक है सिर्फ इंट्रोडक्शन की हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ठीक है थीके? तो आपको चीजें रिकॉल भी होंगी ठीक है तो आप देखिए इधर हम इधर ये डोमेन की बात करेंगे और इधर हम रेंज लिखेंगे हमारा फर्स्ट केस sin x डोमेन आपको याद होगा sin x का r होता है और रेंज होती है -1 टू 1 ओके okay? दूसरी चीज कॉसेक्स दूसरा फंक्शन है कॉसेक्स सेम डोमेन आर और इसकी रेंज होती है माइनस वन टू वन तीसरा हमारे पास होता है टेनएक्स टेनएक्स का डोमेन होता है आ, 10x, एक टेनएक्स का डोमेन होगा आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाय टू टू एन प्लस वन या टू एन माइनस वन कुछ भी ले सकते हो पाई बाई टू का और मल्टीपल और ये हमें मिलता है आर फोर्थ है हमारे पास कॉटेक्स इसका होता है आर माइनस एन पाई पाई का इंटीग्रल मल्टीपल और ये आर ठीक है नेक्स्ट है फिफ्थ हमारे पास सेक एक्स इसका डोमेन हमारे पास होता है आर माइनस टू एन प्लस वन फाइव बाई टू फाइव बाई टू का ऑड मल्टीपल और जो रेंज होती है वो होती है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इंफिनिटी एंड लास्ट इज एक्स ये होता है आर माइनस एन पाई और इसकी रेंज सेम होती है माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी दैट्स इट तो सबसे पहले हमने बेसिक चीज एक बता स्टार्टिंग करिए बेसिक एक स्टार्ट किया है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्योंकि ये रिलेशन आपको जैसे नाम से ही पता लग रहा है चैप्टर देखिए आप इस चैप्टर का नाम क्या है चैप्टर का नाम जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी तो पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन एंड रेंज क्लियर कर लेते हैं ठीक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये डोमेन एंड रेंज चार ये लिखें एंड ये नेक्स्ट टूर है फिर मैं आपको एक छोटी सी चीज और याद दिलाना चाहता हूं बाइजेक्टिव फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन अगर आपको याद होगा तो इसे हम बोलते थे वन वन ऑन टू फंक्शन वन वन एंड ऑन टू फंक्शन ठीक है वन वन का मीनिंग क्या है हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए ऑन टू का मीनिंग क्या है रेंज इक्वल होगा किसके कोडोमेन के ठीक है तो मैं एक फोटो बनाता हूं मैपिंग में एक फोटो बनाता हूं आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं ये ए बी सी डी वन टू थ्री फोर ये देखिए आप ए ये बी और फंक्शन जो आपका डिफाइंड है वो ए से बी में फंक्शन एफ जो डिफाइन है ए टू बी में है. अब देखो क्या ये फंक्शन होगा तो आप देखें ए के हर एलिमेंट की एक इमेज मिल रही है सारे एलिमेंट की और सबकी एक यूनिक इमेज मिल रही है ठीक है ए की एक से ज्यादा कोई इमेज नहीं है बी की भी एक इमेज है सी की भी एक इमेज है डी की इमेज है तो ये फंक्शन होगा अब आपने ये बोला ये जो फंक्शन है एफ वो डिफाइंड है ए टू बी ठीक है ये फंक्शन आपका डिफाइंड है ए टू बी ठीक है ये फंक्शन आपका डिफाइंड है फंक्शन एफ है वो ए टू बी में आपका देखिए डिफाइंड है ओके अब आप यहां से बात गौर करना अगर मैं बोलू क्या मैं बी टू ए बी टू ए क्या फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं आप सोचो आप ये सोचो अब बी को आपको डोमेन मानना है अब आप B से A में डिफाइन कर रहे हो तो देखो अब वन की इमेज क्या मिलेगी C बिल्कुल सही है वन की और कोई इमेज मिल नहीं रही क्या टू की इमेज मिल रही है A टू की एक ही इमेज मिल रही है A बिल्कुल सही है टू की और कोई नहीं मिल रही थ्री की इमेज मिल रही है B ओके सिर्फ एक ही मिल रही है फोर की एक इमेज मिल रही है डी और बी के हर एलिमेंट की एक ने एक इमेज मिल रही है तो हां अगर मैं बोलू क्या मैं बी से किसी ए में फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं तो आंसर है ये क्यों क्योंकि अब जो हमारे लिए डोमेन होगा हमारे लिए प्रायोरिटी होगी वो किसको हमको देखना पड़ेगा बी से क्योंकि फंक्शन किससे डिफाइंड है बी से डिफाइन है किस में डिफाइन है वो बात की बात है तो अगर मैं ए टू बी में डिफाइन कर सकता हूं तो मैं इस फंक्शन को बी टू ए में भी डिफाइन करता हूं तो अगर कोई फंक्शन ए टू बी में डिफाइंड है तो अगर मैं उसे बी टू ए में भी डिफाइन कर सकता हूं तो मैं उसको बोलूंगा एफ इनवर्स वो उस फंक्शन का क्या होगा एफ इनवर्स ठीक है एक एक एग्जांपल और देखते हैं मान लो आपको ये मैपिंग दे रखी है ए बी सी डी वन टू थ्री फोर इसमें एक एलिमेंट और मैं ले लूंगा ई e. ठीक है देखते हैं देखो अब ए टू बी में क्या ये फंक्शन होगा पहले तो हम चेक करते हैं ए टू बी में क्या ये फंक्शन होगा तो आप देखिए ए की इमेज वन मिल रही है बी की सिर्फ थ्री मिल रही है सी की थ्री मिल रही है डी की टू मिल रही है ई e की फोर मिल रही है ठीक है ए से बी में क्या बी से ए में होगा वन की इमेज ए मिल रही है टू की इमेज बी टू की इमेज डी मिल रही है थ्री की दो इमेज मिल रही है थ्री की दो इमेजेस मिल रही है तो बी टू ए में मैं फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा इसका मतलब फंक्शन कब डिफाइंड होगा जब वो फंक्शन वन वन हो और साथ में ऑन टू भी हो तो अगर ए टू बी में डिफाइन कर रहा हूं मैं किसी फंक्शन को और इज इट इज पॉसिबल कि मैं बी टू ए में भी फंक्शन को डिफाइन करूं तो ए टू बी में जो फंक्शन डिफाइन होगा तो और उससे बी टू ए में जो फंक्शन डिफाइन होगा वो उसका इनवर्स होगा ठीक है क्योंकि उल्टा कर रहे हैं ना तो आप इसे बोल सकते हो इनवर्स तो ये अगर एफ है

कि जब वो कैसा हो वन वन ऑन टू हो और अगर कोई फंक्शन वन वन ऑन टू है तो डेफिनेटली उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ठीक है तो पहली चीज हमने क्या सुनी देखी है कि कोई फंक्शन कोई फंक्शन इनवर्स तब भी होगा जब वो क्या होगा वन वन ऑन टू होगा ठीक है और अगर कोई फंक्शन ए टू बी में डिफाइंड है और वो वन वन ऑन टू है तो उसका जो इनवर्स होगा वो किस में डिफाइन होगा बी टू ए में ठीक है ये या आपको याद रखना है कि अगर एफ ए टू बी में डिफाइन है तो इनवर्स ऑफ एफ इज डिफाइंड अब उसके लिए ये डोमेन बन जाएगा और ये को डोमेन होगा ठीक है तो फंक्शन के इनवर्स होने की कंडीशन क्या होती है इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन वो कैसा होना चाहिए बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए क्लियर आप नोट डाउन कर सकते इस चीज को सारा खेल मैपिंग का है देखो यहां पर क्या हुआ अब फंक्शन को वन वन चेक करना था तो आप देखिए बी और सी की दो इमेजेस हो गई बी और सी की बी और सी की सिंगल इमेज कॉमन इमेज हो गई थ्री कॉमन इमेज हो गई तो वन वन रही नहीं। तो फंक्शन अगर वन वन रहेगी तो इसलिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करा बल्कि रे ऑन टू था ये जो फंक्शन है ना ये कहानी ये फंक्शन हमारा वन वन नहीं था इसीलिए गड़बड़ हो गई ऑन टू था ठीक है रेंज इक्वल है कोडोमेन के रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो फंक्शन वन वन नहीं था इसीलिए इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करा और इनवर्स आप देखो इस फोटो को समझो ए टू बी में हमने डिफाइन करा तो इज इट पॉसिबल कि हम बी टू ए डिफाइन कर पाए अगर हम बी टू ए टू डिफाइन कर पाए भाई ये बी टू ए होगा ही नहीं ना फंक्शन क्योंकि थ्री की दो इमेजेस हो जाएंगी अगर आप अब बी को डोमेन के उससे देखोगे तो फंक्शन ही नहीं होगा तो अगर हम बी टू ए भी फंक्शन डिफाइन कर पाए तो हम कहेंगे वो कैसा होगा इनवर्स फंक्शन उसका एग्जिस्ट करेगा ओके okay? और कोई फंक्शन अगर एफ है तो उसके हम इनवर्स को किससे डिनोट करते हैं एफ इनवर्स से उसके हम इनवर्स को किससे डिनोट करते हैं एफ इनवर्स से ठीक है कोई फंक्शन अगर एफ है तो उसके इनवर्स को एफ इनवर्स से डिनोट किया जाएगा ठीक है ए टू बी में अगर एफ डिफाइंड है तो बी टू ए में क्या होगा एफ इनवर्स डिफाइंड होगा एड इट इज ऑल्सो वन वन ऑन टू ये भी क्या होगा वन वन ऑन टू ही होगा आप चेक कर लो बी टू ए में भी वन वन ऑन टू होगा एंड इट इज ऑल्सो इट इज ऑल्सो वन वन ऑन टू या बाइजेक्टिव फंक्शन डायरेक्ट बाइजेक्टिव लिखो वन 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 टू से बढ़िया बाइजेक्टिव फंक्शन तो इन्वर्स होने की कंडीशन हमारे पास क्या है कि फंक्शन कैसा होना चाहिए बाइजेक्टिव होना चाहिए ठीक है अब क्योंकि हमें चैप्टर हमें डिस्कस करना है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगेन हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ठीक है चीजों को समझ रहे हैं कि हमें करना क्या है क्योंकि आपका जो डिलीटेड पोर्शन है वो था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन जो कि हट चुका है फर्स्ट चैप्टर में से इसीलिए हमें थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा इसको इंट्रोडक्शन को डीपली स्टडी करना पड़ेगा ठीक है इसके इंट्रोडक्शन को हम डीपली स्टडी करेंगे ठीक है अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स की अच्छा एक चीज मैंने आपको और बताई थी आपको याद होगा अगर कोई आप फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर रहे हो अगर Y एक्सिस के लाइन उसे एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो वो फंक्शन होगा नहीं ठीक तो तो है तो मान लो फंक्शन है तो वन वन के लिए मैंने बताया था तुम्हें X एक्सिस कट, चा, एक कट होना चाहिए ठीक है x एक्सिस कट होना चाहिए ठीक है तो पहले हम बात करते हैं देखिए आप वाईक्वल टू साइन एक्स ठीक आपको अगर एक्स का ग्राफ याद हो ठीक है आपने प्लॉट किया होगा तो वो कुछ इस तरीके से होता है ठीक है ये ग्राफ होता है एक्स का ठीक है अब देखिए आप कहीं भी एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही पॉइंट पे कट करेगी ठीक है ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे कट करेगी मिनिमम वैल्यू माइनस वन होती है मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन होती है ठीक है अब आप ध्यान से सुनना मिनिमम वैल्यू प्लस माइनस वन होती है और यहां पर मैं मार्क कर देता हूं माइनस पाई बाई टू और यहां पे मैं मार्क कर देता हूं हूँ ठीक है अब आप देखो मैं एक्स एक्सिस के पैरल लाइन ड्रॉ करता हूं मैं क्या करता हूं एक्स एक्सिस के पैरल लाइन ड्रॉ करता हूं कोई भी एक लाइन ठीक है ये फंक्शन है ये तो हमें पता लग गया लेकिन इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए देखिए अभी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा क्योंकि फंक्शन क्या बन रहा है वन वन देखे आप ध्यान देना आप क्या करो ये प्लॉट करो ये आपने प्लॉट किया ग्राफ किया तो आप देखिए एक कितने पॉइंट पे कट कर दिया एक दो तीन चार पांच छह मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन वन वन तो हुआ ही नहीं और फंक्शन अगर वन वन नहीं होगा फंक्शन अगर वन वन नहीं होगा तो इनवर्स तो एग्जिस्ट करना ही नहीं है क्योंकि देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी अगर ग्राफ एक्सेस के पैरल लाइन आप ड्रॉ करोगे ग्राफ में फंक्शन होने के बाद आपने पहले वाई एक्सएस के पैरल लाइन ड्रॉ करी तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हर हर जगह वाई एक्सेस तो तो फंक्शन है अब आप वन वन चेक करने के लिए क्या करोगे एक्स एक्सेस के पैरल लाइन कोई भी ड्रॉ करोगे तो अगर वो एक पॉइंट एक से ज्यादा पॉइंट पे कहीं भी कट कर गई कहीं कोई भी लाइन कोई भी एक लाइन भी तो वो वन वन हो गई नहीं तो आप देखिए ये वन वन नहीं है ठीक है ये ग्राफ फंक्शन कैसा नहीं है वन वन तो क्या मैं वन वन बना सकता हूं अब क्वेश्चन है क्या मैं इसे वन बन वन -बन बना सकता हूं तो बिल्कुल बना सकता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा जो मेरा डोमेन में आर ले रहा था पकड़ना आर ले रहा था ना मेरे को उसको रिड्यूस करना पड़ेगा टू मेक दिस फंक्शन इनवर्टेबल ठीक है वी रिड्यूस द डोमेन आगे बात समझ में टू मेक द दिस फंक्शन टू मेक दिस फंक्शन इनवर्टेबल वी रिड्यूस द डोमेन आपको डोमेन को रिड्यूस करना पड़ेगा तो आप देखिए मैं क्या करता हूं आप इधर ध्यान दो मैं क्या करता हूं मैं सिर्फ पोर्शन ले लेता हूं माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक का तो आप देखिए इस इस एज में ग्राफ कैसा था ऐसा था ठीक है अब आप देखो आपको वैल्यूज क्या मिल रही है जो आपको रेंज मिल रही है ना रेंज वो अभी भी क्या मिल रही है माइनस वन टू वन बिल्कुल मिल रही है और ट्रिक साइन एक्स की वो भी होती है लेकिन अब आपने डोमेन को क्या कर दिया आपने डोमेन को क्या कर दिया वो भी रिड्यूस कर दिया वो क्या कर दिया माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू तो आपने इसमें साइन एक्स को आपने जो डिफाइन किया है वो कराए माइनस फाइव बाय टू से फाइव बाई टू से लेके माइनस वन टू वन अगेन क्योंकि जो आप देखिए हर वैल्यू एक एक बार मिल रही है हर वैल्यू एक एक बार मिल रही है क्योंकि आपको इस फोटो को भी याद रखना चाहिए ये वाली फोटो के कि अगर मैं देखू तो वन की अगर मैं उल्टा देखू तो वन की भी सिंगल इमेज मिल रही है अब आप यहां देखो अब कोई बोले यहां पर देखो जीरो कितनी बार मिल रहा है एक दो तीन चार पांच जबकि मैंने तो पूरा ग्राफ बनाया नहीं लेकिन मेरे को पता पता है ना कि जीरो की सिर्फ एक ही इमेज मिल रही है तो आप देखो यहां जीरो की सिर्फ एक ही प्री इमेज मिलेगी जीरो जीरो पे होगा वन किस पे मिलेगा पाई बाय टू पे वन कहीं और नहीं मिल रहा माइनस वन की प्री इमेज क्या होगी माइनस पाई बाय टू तो ये हो गया तो हाँ अब मैं अगर इसमें ये फंक्शन कैसा है बाइजेक्टिव ये फंक्शन कैसा है डोमेन तो को रिड्यूस है. है और साथ साथ रेंज उसके अकॉर्डिंग लिख गई है जो उसकी एक्चुअल रेंज है तो को डोमेन हमने को डोमेन रेंज को ही हमने को डोमेन बना दिया रेंज को आप को डोमेन बना दो और जो भी फंक्शन दे रखा है उसके आप रेंज वो उसके आप डोमेन को रिड्यूस कर दो देखो आपने रिड्यूस कर दिया ठीक है और क्यों किया टू मेक टू मेक दिस फंक्शन इन्वर्टेबल हमने इस फंक्शन को इन्वर्टेबल बनाने के लिए किया है टू मेक दिस फंक्शन इन्वर्टेबल क्लियर अब आप देखिए साइन एक्स क्या हो गया माइनस फाइव बाय टू से फाइव बाय टू माइनस वन टू वन सेम कॉन्सेप्ट हमारा जाता है किसके साथ कॉसेक्स के साथ सेम सेम हमारा किसके साथ जाएगा कॉसेक्स के साथ आप इसको नोट कर लीजिए आप कोई नोट कर रहे तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं देखिए अगर आपको साइन एक्स का क्लियर हो गया होगा ना तो आपको कॉसेक्स का भी क्लियर हो जाएगा नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वाई इक्वल्स टू कॉसेक्स अगेन हमें पता है इसका डोमेन आर होता है और रेंज क्या होती है माइनस वन टू वन ठीक है तो देखो ऑन टू बनाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा को डोमेन को माइनस वन से वन लेना पड़ेगा ठीक है रेंज हम देखते हैं तो हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया Cossacks का ग्राफ, ये कुछ ऐसा बनेगा ठीक है ठीक है ये वैल्यू जो होगी माइनस वन और मैक्सिमम अगेन इसकी वैल्यू प्लस वन ठीक है अब आप देखिए ग्राफ फंक्शन है बिल्कुल है एक्सिस के पैरेलल है उस पर तो हमें बात ही नहीं अब आप देखिए आपने मैंने कोई भी एक लाइन है रैंडम ड्रॉ करिए तो आप देखिए एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर गई इसका मतलब ये फंक्शन अभी इसका मतलब ये फंक्शन अभी क्या नहीं है वन वन नहीं है ठीक है ये क्या हो गया फंक्शन अभी वन वन नहीं है ओके तो अब मेरे को क्या करना है? इस फंक्शन को वन वन बनाना है तो अब मैं क्या करूं मेरे को माइनस वन से वन वैल्यू भी मिल जाए माइनस वन से वैल्यू वन भी मिल जाए ठीक है तो देखिये माइनस ये पाई बाय ठीक है आपका पाई बाय टू।, टू और ये आपका पाई और ये थ्री पाई बाई टू ठीक है तो मैंने क्या किया मैंने ए की और ये पॉइंट था जीरो तो मैंने क्या करा सिर्फ जीरो से पाई कर दिया सिर्फ क्या कर दिया जीरो से पाई तो आप देखिए जीरो से पाई में ग्राफ ऐसा बन रहा है ये वन ये माइनस वन मिलेगी यहां पे वैल्यू ये जीरो और ये पाई तो आप देखिए हर वैल्यू एक एक बार मिलेगी सिर्फ हर वैल्यू एक एक बार मिल रही है तो मैंने रिड्यूस कर दिया डोमेन को डोमेन को रिड्यूस करा है किसमें जीरो टू पाई में डोमेन को रिड्यूस करा कराए जीरो में ठीक है और जो आपका फंक्शन अब न्यूली फंक्शन डिफाइंड है न्यूली फंक्शन वो डिफाइंड है माइनस वन टू वन तो अब आप देखिए जब अगर आप कॉसेक्स को इस तरीके से डिफाइन करेंगे तो इट इज डेफिनेटली अ डेफिनेटलीक्टिव फंक्शन इट इज डेफिनेटली अ फंक्शन ये फंक्शन हमेशा कैसा होगा बाइजेक्टिव होगा तो इसी तरह जो बाकी है टेनएक्स कॉटेक्स कैकेक्स कोजैक ठीक है इनके सबकी रेंज को तो कोडोमेन को बना देंगे ठीक है जो इनकी रेंज है उसको कोडोमेन ले लो और इस फंक्शन के जो डोमेन को हम रिड्यूस कर देंगे जिससे क्या हो जो जो भी हम रेंज लेंगे जो भी हम रेंज मींस वो वाला जो भी हम इंटरवल लेंगे डोमेन का या रिड्यूस पार्ट लेंगे उस पार्ट में फंक्शन कैसा होना चाहिए ओनली वन वन मतलब हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज मोलनी चाहिए हर एलिमेंट के सिर्फ एक ही इमेज मिलनी चाहिए ठीक है यहां तक सब कुछ आई थिंक क्लियर हो गया होगा ठीक है तो कोई भी फंक्शन हमने देखा अगर एफ है वो ए टू बी में डिफाइंड है एंड इट इज बाइजेक्टिव ये क्या है बाइजेक्टिव तो एफ इनवर्स को हम डिफाइन करेंगे बी टू ए में ठीक है बी टू ए में तो अभी हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करनी है तो ट्रिग्नोमेट्रिक की बात करनी है तो यहां पर जो इनवर्स फंक्शन होंगे ठीक है तो वो होंगे साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टैन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स एंड कोजैक इनवर्स एक्स साइन इन्वर्स एक्स कोजेक इन्वर्स एक्स टेन इन्वर्स एक्सॉट एक्स, सेक इन्वर्स एक्स एंड इनवर्स एक्स ठीक है तो इन्वर्स एक्जिस्ट करेगा तो उसके लिए हमने साइन एक्स को बनाया कैसा साइन एक्स का क्या माइनस वन से हमने साइन एक्स को डिफाइन करा था इसमें अगर साइन एक्स ऐसा डिफाइन होगा तो यस वी कैन श्योर कि हाथ जो साइन है वो एग्जिस्ट करेगा और वो किस में करेगा माइनस वन से वन की तो इसका डोमेन हो जाएगा और उस समय कोडोमेन क्या होगा माइनस फाइव टू से फाइव बाई टू क्लियर से एक चीज आपको याद ठीक है लेकिन साइन एक्स इनवर्स एक्स का कभी भी मीनिंग ये नहीं होता वन अपॉन साइन एक्स ओके तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है प्रिंसिपल प्रिंसिपल डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ फंक्शन की प्रिंसिपल डोमेन और रेंज देखते हैं ठीक तो है प्रिंसिपल डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ठीक है तो यहां हमारे फंक्शन होंगे आईटीएफ ठीक है ये कॉलम है हमारे उनका डोमेन का और ये कॉलम है उनका रेंज का तो पहला आपने देखा साइन इनवर्स एक्स तो साइन एक्स हमने डिफाइन किया था माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू और माइनस वन टू वन तो अब हमारा ये हो माइनस वन टू वन से ठीक है और रेंज हो जाएगी माइनस फाइव बाई टू से टू बी था साइन एक्स और ये क्या हो गया बी टू ए क्लियर अभी मैंने बताया था एफ इनवर्स से क्या होगा बी टू ए में डिफाइन होगा कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा ठीक है ये होगा जीरो टू पाई जीरो टू पाई स इनवर्स एक्स क्या हुआ जीरो टू पाई और यहां पर ये क्या मिलेगा सॉरी यहां पर ये होगा माइनस वन टू वन ठीक है ये होगा माइनस वन टू वन अगेन बी टू ए और ये हो जाएगा जीरो टू पाई क्योंकि हमने जो कॉस इनवर्स एक्स काक्स था उसको इन्वर्टेबल बनाने के लिए क्या किया जीरो टू जीरो इंटरवल टू माइनस वन टू वन ठीक है माइनस वन टू वन तो अब उल्टा अगर डिफाइन करेंगे तो माइनस वन टू वन टू जीरो टू पाई तो आप देखिए सेम आपको किसके लिए याद करना है टेन टै, इनवर्स एक्स के लिए ठीक है तो टेन इनवर्स एक्स के लिए क्या होगा ठीक है अब आपको याद कर, जैसे टेन जीरो जीरो होता है और टेन फाइव होता है ठीक है और आ, ये इसके लिए तो हम याद करते हैं ये ओपन इंटरवल माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू ठीक है एक सेकेंड सॉरीका तो रेंज आर होता है और यह होता है ओपन इंटरवल ठीक है फिर हम बात करते हैं कॉट इनवर्स एक्स की सेम ये आर होगा इसके लिए ठीक है आर होगा और ये होगा जीरो बाई टू फाइव टू बाई टू और इज जीरो जीरो पे कॉट जीरो नॉट डिफाइंड ठीक है कॉर्ट जीरो नॉट डिफाइंड आल्सो कॉट पाई इज आल्सो नॉट डिफाइंड ठीक है sec inverse x के लिए क्या होगा क्या हमने रेंज कहती okay? और ये आप देखिए क्या हो जाएगा sec inverse x. ये आपका हो जाएगा जीरो टू पाई एक्सेप्ट पाई बाई टू क्योंकि पे बाई टू होता है नॉट डिफाइन ओके बात करूंगा इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी और ये आपका बेटा हो जाएगा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू और एक्सेप्ट जीरो ठीक है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी इस कहानी को आप ऐसे भी लिख सकते हो आर माइनस ओपन इंटरवेल माइनस वन टू वन माइनस वन टू वन आर में से ये पूरा इंटरवल अगर माइनस कर दे तो ये और ये एक ही चीज को डिनोट करते हैं ये एक ही चीज मैं थोड़ा सा और बता रहा हूं थोड़ा सा हम डिस्कस और करें मान लो आपको देखा है वाईक्वल्स टू साइन एक्स तो एक्चुअली किसी भी फंक्शन का इनवर्फ फाइंड करने का जो वे होता है मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा आप इस चीज को समझ रहा हूं किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने का वे वैसे होता है जैसे हम फंक्शन की रेंज मानते हैं कैसे हम मान लेते हैं लेट एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई ये हमारा ये फंडा होता है और यहां से क्या करते हैं एक्स इक्वल टू एफ वाई और कोशिश करते हैं वाई को एक्स की टर्म में एक्सप्रेस करने की तो एक थॉट क्या होता है किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने का तरीका क्या होगा आप क्या करो एक्स और वाई को इंटरचेंज करो देखो एक्स इक्वल टू एफ वाई हो जाएगा इंटरचेंज करो तो आप यहां से क्या लिखोगे x equal to sin y अब आपको तो क्योंकि y आपका f इनवर्स x को डिनोट कर रहा है ना तो y आपका आ जाएगा sin इनवर्स x देखिए और y क्या था हमारा f इनवर्स x y क्या था अगर हम उसका f x बोलते तो यह हमारा f इनवर्स x होता ये एक फंक्शनल रिलेशन है ठीक तो है ये आप इसको f x बोल सकते हो फंक्शनल रिलेशन है ये तो किसी भी फंक्शन का आप थोड़ा सा इस चीज को आइडिया रखें किसी भी चीज का अगर हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है तो हम इसे वाई मानेंगे एफ इनवर्स एक्स वाई होता है अब क्योंकि दोनों जगह एफ वाई हो जाएगा ठीक है तो उस अकॉर्डिंग ये कहानी चलती है तो ये आपका हो गया वाई इजिकल्स टू साइन इनवर्स एक्स ठीक है फिर हम एक चीज हम नोट करेंगे यहां पर नोट ये है। कि साइन इनवर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स टैन इन्वर्स एक्स एक्सेट्रा एटसेट्रा डोनेट डिनोट सॉरी डिनोट एंगल्स डिनोट एंगल्स और रियल नंबर और रियल नंबर्स और रियल नंबर हु साइन इज जैसे हम साइन की बात करें हु साइन इज

कि जो साइन इन्वर्स एक्स है कॉस इनवर्स एक्स है टैन इनवर्स एक्स है etc. ये सब एंगल्स को डिनोट ठीक है और एंगल आपको रियल नंबर होता है जैसे बट इन रेडियन ठीक है बट इन रेडियन फॉर्म ठीक है radian, form, अगर वो दे देता फिफ्टीन डिग्री तो आप सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करें रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा इट इज पाई की वैल्यू आपको पता है ट्वेंटी टू बाई हैं तो अगेन वो रियल नंबर है तो हर एंगल एक रियल नंबर होता है ठीक है तो ये क्या होता है रियल नंबर होते हैं ठीक है क्या एंगल को डिनोट करते हैं जिसका साइन क्या हो एकस, जिसका क्या हो एकस, आप यहां से देखो. जैसे आप पता आ रहा है कि आप अगर आप कोई पूछे बताओ, कितना होगा तो आपका आंसर क्या होगा आपका आंसर आएगा रूट थ्री बाई टू तो अब इस चीज को मैंने ऐसा लिख दिया बस साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू इस चीज को आप फील करो इक्वल टू साइन एक्स था एक्स इक्वल टू साइन बाई और y इसका मीनिंग अभी यहां पर क्या लिखा है तो साइन होता है तो आंसर है पाई बाय थ्री का तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाय मान लो आपके पास ये आ गया टेन इनवर्स वन तो आप वो एंगल बताओ जिस पे टेन की वैल्यू वन हो जाएगी वो एंगल क्या होगा जिस पे टेन की वैल्यू वन होती है आपको इसको देखना है ठीक है क्या होगा ये एक एंगल होगा जिस पे उसके टेन की वैल्यू बन हो जाएगी तो आपका आंसर आएगा फाइव है फोर ठीक है और देखते हैं मान लो ये आ गया सेक इनवर्स माइनस टू

पाई पाई माइनस सेक्ट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पाई बाय थ्री पे पाई बाय सिक्स पे है ना सॉरी पाई बाय थ्री पे पाई बाय थ्री पे होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में निकालने के लिए क्या होगा पाई माइनस पाई बाय थ्री तो इट इज टू पाई बाय थ्री आपको प्रिंसिपल डोमेन एंड रेंज क्लियर होने ही चाहिए प्रिंसिपल डोमेन एंड रेंज क्लियर होने चाहिए ठीक है ये वैल्यू हमें देखिए मैं आपको निकालना सिखाऊंगा आपको कैसे निकालना है बट ओवरली आपको वर्बली चीजें निकाल समझ में आनी चाहिए एंगल मिल रहा है ना साइन इनवर्स इसमें एंगल मिल रहा है फाइव बाय फोर सेक इनवर्स आपने कुछ भी लिखा वो एक एंगल मिल रहा है टू फाइव बाई थ्री ओके नेक्स्ट मान लो आपके सामने क्या आ गया कॉट इनवर्स माइनस वन कितना आ गया कॉट इनवर्स माइनस वन तो आपको सबसे पहले आप कॉट इनवर्स है अगर वैल्यू अंदर कैसी होती पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो होता ही कॉट इनवर्स अंदर क्या है नेगेटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो होता ही अब कॉट इनवर्स के लिए हमें क्या इसको याद रखना है कि जीरो टू पाई हो गए माइनस पाई बाई टू बाई टू होगा तो जीरो टू पाई है तो सेकंड में मिलेगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस फाइव बाई फोर तो इट इज थ्री पाई बाय फोर जो भी हमें एंगल मिलना चाहिए वो उनके सारे प्रिंसिपल रेंज में होना चाहिए ठीक है मतलब माइनस फाइव बाई टू फाइव बाई टू ठीक है ये इनके रेंज है प्रिंसिपल डोमेन है एंड रेंज